नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज पांच बड़ी खबरें क्या क्या हैं, उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर है चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष से जुड़ी हुई। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटा दिया गया था शासन की तरफ से उनके पद से, जिसके बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। उनकी बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए उन्हें बहाल करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। आपको बता दें कि पद से हटाए जाने के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली की तरफ से, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि पंचायती राज नियमावली का उचित अनुपालन किया जाए। हाईकोर्ट के वेकेशनल जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की ओर से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देते हुए सरकार के 25 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने और उन्हें पद पर बहाल करने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। यानी कि चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप ये लगाए गए थे कि नंदा राजजात के दौरान कई सारी अनियमितताएं उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिस पर शासन के द्वारा उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन बहरहाल हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उन्हें बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की मानस खंड झांकी, जो कि मानस खंड थीम पर आधारित झांकी थी, उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी थी, जिसके बाद सभी कलाकारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड झांकी के प्रत्येक कलाकार को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है। उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिलने के बाद जो ट्रॉफी मिली है, उसको सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेंट किया। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान के साथ झांकी के कलाकार मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रथम स्थान मिलने पर प्रदेश के लिए ये सम्मान की बात बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं धार्मिक विरासत को देश और दुनिया में पहचान भी मिलती है। खबर है अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC अब अपनी स्क्रीनिंग या फिर प्री परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की सीमा को एक बार फिर से तय कर रहा है। आपको ये बता दें कि ये आयोग ने 2019 में ये नियम हटा दिया था, जिसे अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिणाम निर्माण परिनियमावली 2022 में जोड़कर इसे दोबारा से लागू किया जा रहा है। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग ने जून 2019 में इस नियम को हटा दिया था, जिसमें ये बाध्यता रहती थी कि मिनिमम नंबर्स किसी कैंडिडेट के होने चाहिए, जिसके बाद इसका विरोध काफी सारे छात्रों ने किया था। अब जाकर के ये फैसला लिया गया है कि न्यूनतम अंक यानी कि मिनिमम नंबर्स जो होंगे वो UKPSC की प्री या फिर स्क्रीनिंग परीक्षाओं में अनिवार्य होंगे और उसके बाद ही मेंस परीक्षाओं में बैठा जा सकेगा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वनंतरा रिजॉर्ट काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसके पिता विनोद आर्य, जो कि पूर्व भाजपा के नेता भी रहे हैं, वो अचानक से अपने वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचे, जहां पर जो फैक्ट्री थी उसके अंदर भी वो पहुंचे। बताया जा रहा है कि एक महिला और कुछ व्यक्तियों के साथ वो वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया को इसकी जानकारी लगी, मीडिया वहां पर पहुंची तो पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य मुंह छुपाकर वहां से भागते हुए नजर आए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको अंदर जाने की परमिशन थी या फिर किसी तरीके का दस्तावेज आपके पास है, तो वो बिना कोई बयान दिए ही अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रफू चक्कर हो गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद से ही जो वनंतरा रिजॉर्ट है वो पुलिस की कस्टडी में, यानी कि पुलिस की सुरक्षा में है। 24 घंटे वहां पर पुलिस के जवान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब विनोद आर्य वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की जाती है। लेकिन जब मीडिया वहां पर पहुंचती है तो पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य अपने मुंह पर रुमाल बांधकर वहां से भागते हुए नजर आते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक मर्सिडीज कार अचानक देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। इस मर्सिडीज कार में आग लगने से आसपास इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद कोलूखेत पुलिस मौके पर पहुंची। बताया ये जा रहा है कि हरियाणा से आए पर्यटकों की यह गाड़ी थी, जो कि मर्सिडीज थी। ये गाड़ी मसूरी जाते वक्त गर्म होने लगी, जिसके बाद पर्यटकों ने इस गाड़ी को वापस मोड़ा। इसी दौरान मैगी पॉइंट पर ये पर्यटक रास्ते में रुके, जहां पर वो चाय पीने गए, लेकिन इसी बीच उनकी गाड़ी जलने लगी और देखते देखते ये गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना रात करीब 9:40 के आसपास की है। हरियाणा के पर्यटक थे जिनकी मर्सिडीज गाड़ी में आग लगी है। हालांकि इस दौरान राहत की बात यह रही कि कोई भी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। ये पांच बड़ी खबरें थी, इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।